हाँ खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरी समीपता में आते हैं, तुझे सलाम करते हैं, तेरी बड़ी मोहब्बत के लिए जो तूने हम मनुष्यों से की है, तेरे सामने अपने सर को झुकाते और सारा इज्जत और सारा जलाल और सारी बुजुर्गी आपको देते हैं। खुदा, हमारी लियाकत, हमारी खूबी तुझको खुश नहीं कर सकती। ये तो तेरा ही प्यार है कि तूने हमसे मोहब्बत कर ली और हमको चुन लिया ताकि हम तेरी सेविकाई का एक हिस्सा बन जाएं। हमें बख्श देना है बाप, हमसे जो कुछ भी खताएं हो जाती हैं माफ कर देना अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, और हम सबको आगे बढ़ने की तमीज इनायत करना। तेरा कलाम जो बेशकीमत है, आज लोगों को आसूदगी दे सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पनकी शाखा में आप सबको खुशामदीद। सभी देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। दुनिया में हम खुशी ढूंढते हैं, दुनिया में आनंद ढूंढते हैं, और यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि दुनिया के पास तो यह है नहीं। आज इस बात को गिरा बांध लीजिएगा कि यह दुनिया के पास है नहीं। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, लेकिन निष्फल होंगे, असफल होंगे। हालांकि खुदा का कलाम इस बात की हमको नसीहत देता है, और दुनिया के लोग भी इस बात को बखूबी कबूल करते हैं। हमारे लिए अगर खुशी लेकर कोई शख्स आता है, अगर आनंद का कोई सबब बन जाता है, तो मुझे यह बताने में जरा सी भी हिचक नहीं, ना तो वो बाप है, ना वो मां है, ना वो बेटा है, ना बेटी, ना वो भाई है, ना बहन, बल्कि वो एक ही शख्स है जिसको हम दोस्त कहते हैं, दोस्त, फ्रेंड। जितने रिश्ते हम दुनिया में एक दूसरे के साथ बांधते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई तलखी पाई जाती है, कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है, कोई लगाव है, कोई फर्ज है, कोई एहसान है। लेकिन दोस्त में इन बातों की कोई जगह नहीं होती। नीति वचन के पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, दोस्त हर समय प्रेम रखता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, बाप सब समय में प्रेम नहीं रखता, मां सब समय प्रेम नहीं रखती। हालांकि बड़ी बड़ी बातें, मुझे माफ कीजिएगा इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो कोई वजह है जिनका कारण मोहब्बत होती है, कोई ना कोई तो वजह है, कोई ना कोई तो कारण है। आपको बताऊं,
باپ بیٹے کی محبت کا ذکر خدا کے کلام میں پایا جاتا ہے. بیٹا باپ سے بہت محبت رکھتا ہے, لیکن آپ کو بتاؤں ایک سمے آیا جب ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میرا مال مجھے دے دے, میرا جو کچھ آتا ہے مجھے دے دے. کہاں گئی پتا کی محبت اور کہاں گئی بیٹے کا پیار؟ کہیں نہ کوئی بات تھی جس کے سبب سے یہ دونوں زندگیاں ایک رشتے میں جڑی ہوئی تھیں. میری دولت مجھے دے دے, میرا حصہ مجھے دے دے. باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا, بیٹی اپنے پتا سے پیار کرتی. لیکن جوانی کے عالم میں جب کوئی دوست مل جاتا ہے, کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جس کے ساتھ وعدے کرتی ہے کہ میں تیرے ساتھ زندگی گزاروں گی, تب باپ بہت کچھ کہتا ہوا آنکھوں میں آنسو بھی بھر لاتا ہے. بیٹی کہتی میں تو جاؤں گی تو اسی کے ساتھ جاؤں گی, پالا ہوگا تم نے مجھے زندگی بھر مجھے رکھا ہوگا, لیکن جاؤں گی اب اسی کے ساتھ. تم چاہے کچھ کر لو, چاہے مجھے بھاگنا پڑ جائے, تب بھی میں جاؤں گی. بھائی بھائی سے محبت رکھتا ہے, بھائی بھائی سے بڑی محبت رکھتا ہے. لیکن خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محض تھوڑی سی دال کی خاطر, تھوڑی سی دال کی خاطر پیلوٹے ہونے کا حق چھین لیا گیا. بھائی بھائی سے محبت رکھتا ہے, پیلوٹے ہونے کا حق چھین لیا. بھائی بھائی سے محبت رکھتا ہے, قربانی خدا کے سامنے جو گزرانی گئی اسے دستور کے موافق نہ گزارا. خدا نے کہا اگر تو بھلا کرے تو کیا تیری قربانی قبول نہ ہوگی. منہ بگڑ گیا, بھائی کے پرتی بیر آ گیا, اور لکھا ہوا ہے اور زمین نے اپنا منہ پسارا اور بھائی کو قتل کر کے اسی زمین پہ گاڑ دیا. پتی پتنی آپس میں بہت پریم کرتے ہیں, ذرا رشتوں پہ غور کیجئے گا. بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پتی پتنی زندگی بھر کا وعدہ, چاہے وہ کسی جگہ پہ کیا ہو, لیکن آپ کو بتاؤں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے جو چھپی ہوتی ہے اور وہ بتائی نہیں جاتی, ظاہر نہیں کی جاتی. خدا کے کلام میں ایک جگہ ذکر پڑھوں گا اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے ابھی آدمی کو مرے ہوئے ایک دن بھی نہ گزرا تھا. آدمی کے مرے ہوئے جس کے ساتھ زندگی بھر زندہ رہنے کا اور سمے گزارنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن یہ زندگی کی کڑوی سچائی ہے, ابھی آدمی کو مرے ہوئے ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ داؤد نے سماچار بھیجا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں میری پتنی. او ابھی تک تو نابال کی پتنی تھی, اب ایک بادشاہ کی پتنی ہوگی. دیر نہیں لگائی, چلی گئی اٹھ کے. یہ ہے پتی پتنی کا رشتہ. ساس اور بہو ہے نا ساس بہو بیٹھی ہوئی. ساس بہو کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا مر گیا, آدمی مر گیا, ناؤمی کہنے لگی میں تو چھوچی ہو گئی ہوں, میرے پاس کیا ہے, میں تجھ سے کہتی ہوں اپنے گھر واپس لوٹ جا, میرے پاس اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے. بہت محبت کرتی ہے مجھ سے اور دنیا کے کوٹ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہاں پہ کیسز چل رہے ہیں. کیا مقدمے بازی, رشتے خراب ہو گئے, اب ہمیں نہیں رہنا, اس گھر میں نہیں رہنا, نہ اس ساس کے ساتھ رہنا, نہ اس سسر کے ساتھ رہنا, نہ اس آدمی کے ساتھ رہنا, ہم کو یہ رشتہ راس نہیں آ رہا. یہ ہے رشتہ, یہ ہے دنیا کا رشتہ.
दोस्त दुनिया के दोस्त, दुनिया के दोस्त जब तक पैसा रहता है तब तक साथ निभाते हैं, और जब पैसा चला जाता है तो साथ उड़ाऊ पुत्र का किस्सा मालूम है, लिखा दोस्तों के साथ वो जिंदगी गुजारने गया था, लेकिन जब पैसा जाता रहा तो दोस्त भी जाते रहे। गुरु और शिष्य, पादरी और उसका चेला, ये भी रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बताऊं, खुदा के कलाम में लिखा है अपने गुरु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। कितने सिक्कों में? 30 चांदी के सिक्कों में। कौन सा रिश्ता है जिस पे हम यकीन करें? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम कामिल एतकाद के साथ कह सकें, यस दिस इज द रिलेशनशिप विच आई नीड, ये है रिश्ता जिसे मुझे जरूरत है। दो बहनों का रिश्ता, बहन बहन, भाई भाई, बताया दो बहनों का रिश्ता। आपको पता होना चाहिए, दांव दे दिया, क्या कहां हूं मैं, राहेल और लिया के पास, दांव दे दिया, 7 साल सेवा कराई, कैसी आई जो धुंधली आंखों से देखती थी, दांव दे दिया बहन को, बाद में कहा मैं भी चलूंगी, मेरी लौंडी भी चलेगी, चलेगी साथ में। यह है बहनों का रिश्ता दुनिया में। आपको सच बता रहा हूं, ये रिश्ते, बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको बताना चाहते हूं, लेकिन मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। दुनियावी एतबार से ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, दुनियावी एतबार से ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। और इसी नीति वचन की पुस्तक 18वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, ऐसा मित्र भी है जो भाई से अधिक मिला रहता है, ऐसा मित्र भी है जो भाई से अधिक मिला रहता है। लेकिन सच बता रहा हूं, दुनिया के अंदर मोहब्बत ढूंढोगे, दुनिया के अंदर रिश्ते बनाओगे, ये रिश्ते कब दगा दे जाएंगे, कब झूठ बोल जाएंगे, कब आपको कैद खाने में खड़ा कर देंगे, सच बता रहा हूं, समय का कोई मोल नहीं। किसी भी समय कोई भी हादसा गुजर सकता है। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, बड़े बड़े खानदान वालों को देखा, बड़ा भाई भाई में प्यार, मां बाप बेटों में खूब प्यार, लेकिन समय आने पर सब कुछ खत्म हो गया। नीति वचन की पुस्तक उसके 14:20 के अंदर इसका एक छोटा सा बयान पाया जाता है, और वहां पे ऐसा लिखा है कि धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं, धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। अपने पास धन जमा करो, तुमको बहुत दोस्त मिल जाएंगे, अपने पास पैसा रखो, बहुत दोस्त मिल जाएंगे। जरा ध्यान दे के सुनिएगा, दोस्ती का दावा करने वाले लोगों, जो दोस्त कहते हो, दुनिया के अंदर अगर तुमने दोस्त बनाए हैं तो तुम्हारा इसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई हित छुपा हुआ है, वरना कोई भी दोस्त साथ नहीं रहता, कोई भी दोस्त साथ नहीं देता। अगर आप भजन संहिता उसके 41 अध्याय के 9वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मेरा परम मित्र, क्या लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। जेन्युइन फ्रेंड अगर आप ढूंढना चाहते हैं, इट इज वेरी रेयर थिंग। बाइबल की बात बता रहा हूं, अगर आप सच्चे मित्र को हासिल करना चाहते हैं तो ये ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये तो वही हालत है कि कोयले की खान में चले गए और वहां पर हीरे की तलाश कर रहे हैं। कोयले की खान में जाकर क्या तलाश कर रहे हैं? हीरे की तलाश कर रहे हैं। जेन्युइन फ्रेंड, असली दोस्त दुनिया में ढूंढे नहीं मिलता। और यकीन मान
ना रहे हो तो इसको तजुर्बे में करके देखिएगा, आजमा कर देखिएगा। हम तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा चोट खा चुके हैं। जेन्युइन फ्रेंड इज वेरी रेयर थिंग, कहीं कहीं ढूंढे, यदा कदा आपको ढूंढे मिल जाएगा, वरना दोस्ती के दावा करने वाले लोग मौका आने पर दगा दे जाएंगे। अब आपको ले चलना चाहता हूं दोस्ती के दावा करने वाले लोगों के पास। आपको अय्यूब की बात तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी, अय्यूब की पुस्तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। अय्यूब कैसा व्यक्ति था? धनाढ्य व्यक्ति था। अय्यूब के पास धन संपत्ति की कोई कमी? मैं आज आंखें खोलना चाहता हूं, आज आंख खोल लीजिएगा इन रिश्तों के प्रति, अपनी आंखों को जो अभी तक शायद उनमें माड़ा चढ़ गया है, कैट्रिक आ गया है, निकाल दीजिएगा, नहीं तो किसी दिन धोखा खा जाएंगे, नहीं तो किसी दिन धोखा खा जाएंगे। अय्यूब के ढेर सारे दोस्त थे। कितने दोस्त थे? तीन दोस्तों का जिक्र शुरू में दिया हुआ है और आखिर में एक और दोस्त आता है और इसका नाम है, लिखा हुआ है, इनका नाम है तेमानी एलपीज, शूही बिल्दित और नामाती सोपर, नामाती सोपर। और इनके इनके रिश्ते बड़ी मधुर हुआ करते थे। और एक दिन आया जब अय्यूब की जिंदगी के ऊपर अंधेरा छा गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, सब लोग मर गए, उसके अजीज रिश्तेदार जो उसके बेटे हुआ करते थे, उसके दामाद हुआ करते थे, उसकी बेटी हुआ करती थी, मर गए, उसका माल असबाब लुट गया, सब कुछ चला गया। दूर दराज देश में जगह पर रहने वाले उसके तीन दोस्तों ने कहा, आओ चले चलते हैं और अपने दोस्त अय्यूब के गम को बांटेंगे, दोस्त अय्यूब के गम को बांटेंगे। और जब अय्यूब को देखा कि वो राख पर बैठा हुआ है, टाट ओढ़े हुए है, अपने ऊपर राख उड़ा रहा है, उसके शरीर के ऊपर तमाम फोड़े निकले हुए हैं और एक ठीकरा लेकर उसको अपने शरीर से घिस रहा है, इनको बड़ा तरस आ गया। इन्होंने क्या किया, दूर ही खड़े हुए थे और देख करके अपने वस्त्रों को फाड़ लिया, वस्त्रों को फाड़ा और सर के ऊपर धूल डालने लगे, सर के ऊपर धूल डालने लगे, ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे बड़े हितैषी हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बहुत दोस्त हैं तुम्हारे। लेकिन दोस्त की हकीकत बनाना चाहता हूं, जोरदार आवाज में पादरी साहब पढ़िएगा, निकाल लीजिए अय्यूब की पुस्तक और 16 अध्याय और उसके 20वें पद के अंदर, जब ये बड़े तजुर्बे में से होकर गुजरा अय्यूब, 15 अध्याय गुजर गए, बड़ी बातचीतें हुई हैं आपस में, 15 अध्याय गुजर गए, 16 अध्याय के 20 पद में जाकर अय्यूब एक बयान जारी कर रहा है, उस बयान को पढ़िए मेहरबानी से, क्या लिखा हुआ पढ़िए। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, मेरे मित्र मुझसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। यह है दुनिया की सच्चाई, यह है दुनिया की हकीकत, यह है दोस्तों की हकीकत जो इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं और जिनके साथ हम दोस्ती का बड़ा दावा करते हैं। यह है मेरे दोस्त, यह है मेरे मित्र, हमारे बचपन के साथी हैं, बचपन से हम साथ साथ पले बढ़े, हमने साथ में एजुकेशन पाई, साथ में नौकरी कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र मेरे धन के साथी हैं, मेरे रोने के साथी नहीं है, मेरे विलाप के साथी नहीं है, मेरे गम के साथी नहीं है। जिस तरीके से दुनिया के तमाम रिश्ते टूट जाते हैं, उसी तरीके से ये भी रिश्ता जिसके ऊपर हम कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहते हैं, खराब हो जाता है, क्योंकि मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। क्या घृणा कर रहे हैं? इसके चेहरे पे अब रौनक नहीं है, इसके जेब में अब पैसा नहीं है कि हमारे लिए लुटाए, इसके शरीर से हम जुड़ के नहीं बैठ सकते, इसके तो घाव ही घाव हैं, इसके तो घाव ही घाव हैं। 19 अध्याय उसके 14 पद को पढ़िए, इसी के 19 अध्याय अय्यूब 19:14 पद पढ़िए मेहरबानी से। और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। क्या हो गया? मेरे परम मित्र
मुझे भूल गए, तीन मित्र आ गए, मेरे तो 300 मित्र हुआ करते थे, मेरे परम मित्र मुझे भूल गए, याद ही नहीं। कहने कौन अय्यूब, किस अय्यूब की बात कर रहे हो? और अय्यूब की बाबत लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा कहता है शैतान से, जब उसकी वार्तालाप होती है तो खुदा कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा धर्मी व्यक्ति, उसके जैसा बढ़िया आदमी है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। खुदा गवाही दे रहा है लेकिन इस दुनिया के दोस्त उसे भूल गए, इस दुनिया के दोस्त उसे भूल गए। सच बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में आजमा कर देख लीजिएगा, पैसा झाड़ दीजिएगा, बिल्कुल फक्कड़ होकर अपने दोस्त को पुकारिएगा, बहुत से दोस्त होंगे कहेंगे क्या नाम है तुम्हारा, हेलो आवाज नहीं आ रही है, हेलो सुनाई नहीं पड़ रहा है, हेलो फिर से मिलाइए, काट के फिर से मिलाइए और उसके बाद स्विच ऑफ, अब तो मिल ही नहीं रहा। मेरे परम मित्र, क्या लिखा है? और मेरे परम मित्र, परम क्या है ये? परम मित्र, ये परम है, ये क्या है? ये परम है, बस इसके आगे जो मित्र लगाया ये गड़बड़ है ये परम। जब हम किसी से बात करते हैं हमें समझ में आ जाता है तो हम कहते हैं तुम परम हो, आगे हमसे मत जुड़वाओ, मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। अय्यूब 19 अध्याय 21 पद, भूल गए, घृणा करते हैं, लेकिन इसी से बाज नहीं आ रहे हैं, इतने ही से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इतने से बाज आ जाते तो गनीमत थी, तो गनीमत थी, लेकिन इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, अंगुश नुमाई कर रहे हैं। तू धर्मी बनता है? तू खुदा का प्यार करने वाला बनता है? खुदा तुझसे प्यार करता है? हरगिज नहीं। तूने कुछ ना कुछ अपराध किया होगा जिसकी सजा तुझे मिल रही, तूने कुछ किया है। क्या कहते हैं, जले पर नमक छिड़कना, कटे पर मिर्च डाल देना। एक तो वैसे ही बेचारा कह रहा मेरा बेटे मर गए, मेरी बेटियां मर गईं, मेरे दामाद मर गए, मेरे ऊंट लुट गए, मेरी जायदाद चली गई, मेरा मकान गिर गया। एक तो बेचारा अपने गम में गमगीन, मेरा शरीर फोड़ों से त्रस्त है, फिर भी अंगुश नुमाई की जा रही है, उंगली उठाई जा रही है। क्या लिखा हुआ है 19 अध्याय 21 पद को पढ़कर देखिए, यहां पर एक बात सुंदर लिखी, पढ़िए। हे मेरे मित्रों, आए मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो। क्या आए मेरे मित्रों? अरे ये मित्र है कि दुश्मन? मित्र से कहीं ये वाली बात कही जाती है, मुझ पर क्या करो? दया करो। आए मेरे दोस्तों, कई बार इन तमाम रिश्तों में जिनमें हम जकड़े हुए होते हैं, चाहे किसी तरीके का रिश्ता क्यों ना हो, जिनका हम जिक्र करते हैं, कई बार अजीजदार अपने ही अजीजदार से कहते हैं मुझ पर प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी ओ लॉर्ड, प्लीज हम पर दया कर दो, मुझे छोड़ दो। कई बार इतनी तक नौबत आती है कि लोग इतना खिलाफ हो जाते हैं कि जेल खाने की हवा खानी पड़ती है। मुझ पर दया करो, प्लीज मुझ पर दया करो। सच बता रहा हूं, दुनिया के रिश्ते एतबार के काबिल नहीं है, एतबार के काबिल नहीं है। आइए चलिए अय्यूब से आगे बढ़ते हैं। अय्यूब के आगे कौन सा भजन है, किसने लिखा? दाऊद ने। चलिए इनकी तो चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा आदमी था। एक शख्स मुझे मिल गया है जो मेरे दिल के करीब है। अय्यूब के लिए कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा धर्मी व्यक्ति नहीं है। अय्यूब की तो दुर्दशा हमने आपको बता दी, अब जरा दाऊद की सुनिए। पढ़िए 38 अध्याय 11 पद, भजन संहिता 38 अध्याय 11 पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ? मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे दोस्त मित्र, मेरे मित्र और मेरे संगी, हाँ, मेरी विपत्ति में अलग हो गए। मेरी मुसीबत में जब तक मैं राजा रहा, जब तक मैं बादशाह रहा, अपनी दोस्ती की दुहाई देते रहे, हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्या कहते हैं हिंदी जबान में,
हिंदी जबान में क्या कहते हैं बताइए भाई, हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा शब्द है, कहते लंगोटिया यार है। कौन सा यार है? लंगोटिया यार है ये मेरा। और कह रहे हैं मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में मुझसे अलग हो गए। कहने भैया होगा लंगोटिया यार, अब तुम्हारी मुसीबत में हमारा कोई चक्कर नहीं, हम तुमसे दूर हैं। अब तुम न बादशाह रहे और न बादशाही की कोई खुशबू तुम्हारे अंदर से आ रही है। अरे तुम तो मुझे वही लग रहे हो जंगल में वीणा बजाया करते थे, और ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई साबका नहीं। मेरे मित्र और मेरे संगी कब कब मेरी विपत्ति में। दोस्तों के लिए क्या कहते हैं? दोस्तों के लिए क्या संज्ञा दी जाती है? मुसीबत में आसानी से दोस्त मिल जाता है, मुसीबत में आसानी से दोस्त मिल जाता है। नीति वचन की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के 24वें पद में लिखा हुआ है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। मित्रों के बढ़ाने से तो क्या होता है? नाश होता है। लोग कहते हैं जहां बहुतायत के मित्र हो मजा आ जाए। दुनिया के अंदर दोस्त ढूंढोगे, दोस्त दगा दे जाएंगे और दोस्त रुलाने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। दोस्ती का दावा भरने वाले लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को सिखाना, अपने तमाम अजीजों को सिखाना, ये दुनिया के दोस्त आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं आएंगे। कब दगा दे जाएं, कब झूठ बोल जाएं, कब आपको किसी बात में फंसा दें, लेकिन एक दोस्त है, एक दोस्त है जिसका नाम कोई और नहीं यीशु मसीह है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। मेरा एक ही मित्र यीशु, एक मित्र बना लीजिए, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और आपको बताऊं, वो भी इस बात का इश्तियाकमंद है कि वो आपको अपना मित्र बना ले। वो इस बात की चाहत रखता है, आसमान से बार बार झुक कर देखता है, काश के मैं इसे मित्र बना लूं, काश के ये मेरा मित्र हो जाए। आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में एक जगह लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 15वें पद के अंदर लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। थे तो हर दर हकीकत हम गुलाम, हमारी खसलत में गुलामी पाई जाती थी, हम दास थे, दास का सा जीवन था, गुलामी का जीवन गुजारने वाले इंसान थे। तो खुदा कहता है, अब तुमने अगर मुझ पर यकीन किया है, तुमने अगर मेरी तरफ रुजू किया है, तो मैं तुमको दास ना कहूंगा। दुनिया के लोग तो बगैर दास बनाए दास बना देते। अगर हम दास ना भी बनना चाहें, फिर भी कहते तुम मेरे गुलाम हो, लेकिन खुदा कहता है कि तुम गुलाम थे, लेकिन अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब मैं तुम्हें गुलाम ना कहूंगा, क्या कहूंगा? परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है। है क्या कोई खुदा इस जहान के अंदर जो ये दावा करे अपने लोगों से, अपने बच्चों से, कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है? एक है जिसका नाम यीशु मसीह है, एक है जो स्वर्गों के स्वर्ग में समा नहीं सकता, एक है जिसका स्वर्ग सिंहासन है और जमीन उसके पांव की चौकी है, एक है जो कह देता है और वैसा ही वकू में हो जाता है। वो कहता है मैं तुमको दास, तुम्हारी हालत बड़ी गंभीर है, तुम बीमार हो, तुम फकीर हो, तुम्हारा सब कुछ लूट चुका है, शैतान ने तुमको लूट लिया है, खा लिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन मैं हूं जो आसमान पर विराजमान हूं, लेकिन मैं तुमको अपना दोस्त कहूंगा, मैं तुमको अपना मित्र बना लूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो एक मित्र है जो आज भी अपनी दया भरी दृष्टि में आसमान से जमीन पर देखता है। काश कि तुम्हारी नजरें भी उसकी तरफ चली जाएं और तुम कहो हाँ ए दोस्त, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, हाँ ए दोस्त, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। दुनिया के दोस्तों से दोस्ती करोगे नुकसान खा जाओगे, लेकिन उससे अगर दोस्ती करोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी,
बदहाली से बदल कर खुशहाली में परिवर्तित हो जाएगी। और आपको सच बताना चाहता हूं, ये दोस्ती जो खुदा आपसे कर रहा है, यीशु आपसे कर रहा है, वो उसके लिए उसने बड़ी कीमत अदा करी है। ऐसा ही नहीं कर ली दोस्ती, ऐसे ही दोस्ती आपसे नहीं कर ली, बल्कि उसने एक बड़ी कीमत अदा करी है। जकरिया नबी की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 6 पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 6 पद, वहां पे लिखा है, जब उससे पूछा जाएगा कि तेरी छाती में घाव कैसे हुए, तेरी छाती में घाव कैसे हुए, तब वो कहेगा, ये वही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर से मुझे लगे हैं। जो मेरे प्रेमियों, प्रेमी कहते हैं दोस्त को, जो मेरे दोस्तों के घर से मुझे लगे हैं। आपको सच बता रहा हूं, यीशु ने आपसे दोस्ती करने का वायदा ऐसे ही नहीं किया। आपने तो बार बार छोड़ना चाहा, बार बार त्याग करना चाहा, बार बार यीशु आपकी तरफ मुखाती हुआ, आप चोट दे देते हो। हम चोट दे देते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, हम उसके नाफरमान बरदार हो जाते हैं, हम उसके पीछे नहीं चलते, लेकिन फिर भी वो हमारी तरफ रुजू होकर कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। हम चोट पे चोट पहुंचाते हैं, ये घाव तेरे कैसे हैं। आपको पता है कि आपने अपने दोस्त होने वाले दोस्त को कितने घाव दिए, जाने कितने अनगिनत घाव। सोच कर देखिएगा, जिंदगी गुजर गई खुदा यीशु मसीह को जानते हुए, यीशु मसीह आपकी तरफ देखकर कहता है, मेरे दोस्त, आप उसे नकार के चले जाते हो, झूठ बोल के चले जाते हो, दगा दे के चले जाते हो, एक और जख्म दे देते हो। ये तेरे छाती पर जख्म कैसे हैं, ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों ने मुझे, ये मेरे दोस्तों ने मुझे दिए। दुनिया के दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, आपको जख्म दे के चले जाते हैं, आपने यीशु को जख्म दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का, इससे बड़ी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपने प्राण, कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। दुनिया के मित्र आपके प्राण ले लेंगे, दुनिया के दोस्त आपके प्राण ले लेंगे। मौका पड़ेगा आजमा कर देख लीजिएगा, मौका पड़े तो आजमा कर देख लीजिएगा। दुनिया के दोस्त आपके प्राण ले लेंगे और मौका पड़ेगा छोड़ के भाग जाएंगे। दाऊद कहता है, मुझे मेरे मित्र छोड़ के भाग गए। अय्यूब कहता है, प्लीज हम पर रहम कर दो। जब मैं मुसीबत में फंसा हुआ था, मैं लेटा हुआ था, मैं जख्मी था, तब मुझे छोड़ दो प्लीज, अपने जख्मों से, अपने नमक से, अपनी मिर्च से मेरे जख्म तक को ताजा ना करो। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपने प्राण। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन, हमेशा का जीवन पाले। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जितने लोग मेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक दोस्त है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, जिसने अपने प्राण को हमारे और आपके लिए दे दिया। लिखा हुआ है, वो आसमानी तख्त को छोड़कर जमीन पर आ गया और हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने सलीबी मौत गवारा करी। कौन सी मौत, कौन सी मौत, किसने, किसने गवारा की, आपके दोस्त ने। यीशु मसीह कौन है, दोस्त। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मित्र बना लेता हूं, मैंने तुमको अपना मित्र बना लिया है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को। जरा सोच कर देखिएगा, जब जिंदगी का सफर आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब आप अभी भी अपनी लंग तरानी में लगे हुए हो, सोच के देखिए, हमारे एक एक एक्शन से, जब तीखी जबान, जब कड़वी जबान, जब बदजुबानी, जब तमाम तलखी आपकी जिंदगी से निकलती है, उस दोस्त को कितनी चोट लगती है। ये तेरे छाती पे जख्म कौन से हैं, ये वो जख्म हैं जो मेरे मित्रों से मुझे मिले हैं, जो मेरे मित्रों से मिले हैं।
खुदा बाप ने हमारे लिए एक लौते बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया, और उसने बड़ी जलालत को इस दुनिया में बर्दाश्त किया है। कोई दोस्त दोस्त के लिए जलालत बर्दाश्त नहीं करता, कहता है यार भैया हम बस यहीं तक, बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन आपको बताऊं, खुदा बाप यीशु मसीह में होकर अपनी मोहब्बत को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करता है कि लोग कहने लगे उसकी दोस्ती के एवज में एक कुछ अल्फाज बोले गए। जब कोई दोस्त किसी की मदद करे तो लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं, अरे कुछ लालच होगा, कोई बात होगी, अरे इसकी बहन की तरफ हो सकता है इसकी नजरें लगी हुई हो, है ना, कहते कि नहीं कहते। यीशु मसीह ने हमारे लिए जलालत को बर्दाश्त किया, हमारे लिए हमारी ही खातिर इस दुनिया के लोगों की बदतमीजियों को बर्दाश्त किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 19वें पद में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार और 11वां अध्याय और 19वां पद पढ़िए मेहरबानी से। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं, और वो कहते हैं, देखो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। क्या कह रहे हैं? जब अपने दोस्तों के साथ रिफाकत रख रहा, सहभागिता रख रहा, देखो पेटू और पियक्कड़, जंगल में मारा मारा घूमता था, पहाड़ों में मारा मारा घूमता था, भूखा और प्यासा रहता था, सलीबी मौत भूख में और प्यास में उसने गुजार दी। लोग पानी देने के लिए तैयार नहीं हुए, पित मिला हुआ सिरका उसे दे दिया, और उसके लिए कहते देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, पियक्कड़ दारूबाज, पियक्कड़। पता है आपको, आपके लिए हमारे लिए यीशु को क्या तुलना दी गई, पेटू और पियक्कड़। ऐसा दोस्त है, आगे पढ़िए, महसूल लेने वालों, महसूल लेने अर्थात चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। देखो, हां हकीकत है, चुंगी लेने वालों को वो मित्र था। यह सच्चाई है, यह सच्चाई बयान कर रहे हैं, चुंगी लेने वालों का मित्र था, पापियों का मित्र था। हम पापी थे, बचपन से पापी थे, देखो सबने पाप किया और खुदा के जलाल से रहित है। देखो चुंगी लेने वालों और पापियों का, यह सब कुछ यीशु को बर्दाश्त करना पड़ा, यह सब कुछ यीशु को बर्दाश्त करना पड़ा। और सच बता रहा हूं, खुदा बाप भी यही चाहता है, काश के हम कहें यस वी रिसीव योर फ्रेंडशिप, हम तेरी दोस्ती को अंगीकार करते हैं, हम तेरी दोस्ती को अपने गले लगा लेते हैं। और जब खुदा बाप आसमान से जमीन पर देखता है तो उसको मात्र एक शख्स मिला, एक शख्स मिला। निकाल लीजिए दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 7वां पद, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 7वां पद, यहां क्या लिखा हुआ है? हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को, इन्हें अपने मित्र किने, इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अरे अब्राहम के वंश हम हैं, अब्राहम को अपना मित्र कहता है, इन्हें अपने मित्र, इन्हें अपने मित्र। खुदा आसमान से जमीन पर देखता है, उसे एक मित्र दिखाई पड़ता है। काश के हमारी और आपकी जिंदगी, हमारे आपके हालात कुछ इस तरीके हो जाएं कि खुदा से कहें, आए खुदा बाप हम भी तुझे अपना दोस्त बना लेना चाहते हैं, ऐसा दोस्त जो जिंदगी भर साथ दे। और तब खुदा कहेगा कि मैंने तुझे दास नहीं अपना मित्र कहा है। और खास बात यह है कि वो हमसे
ऐसी दोस्ती निभाएगा जिसमें घृणा नहीं होगी, जिसमें वो हमको भूल नहीं जाएगा, बल्कि जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। क्या हम उसे अपना दोस्त कहेंगे? क्या खुदा को ऐसा मौका देंगे कि वो हमें दास छोड़ करके हमको अपना दोस्त कहे? आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हम दुआ करेंगे। और जितने हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, दूर या पास, अपनी जगह पे खड़े हों, अपने सर को झुकाएं और खुदा से कहें, खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं बाप। तूने हमको ना सिर्फ जिंदगी बख्शी है, बल्कि इसी जिंदगी के अंदर हमारी दुश्मनी को, जो हमने तेरे प्रति बनाई थी, तूने दोस्ती में परिवर्तित किया है। खुदावन यीशु मसीह, हम यही चाहते हैं, जिंदगी के वो तमाम बरस जो हम इस दुनिया में गुजारते हैं, दुनिया के दोस्तों की ओर अपनी दृष्टि को ना लगाएं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह तेरी तरफ हमारी नजरें लगी रहें। और खुदावन यीशु मसीह, हम तुझसे दोस्ती करके और तू हमसे दोस्ती करके जिंदगी के सफर को खुशी के साथ गुजार देने वाले हो सके, ताकि ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर, बल्कि जब तू इस दुनिया के अंदर अपने राज को करने आए, तब भी खुदावन यीशु मसीह हम तेरे साथ नगमा परदाजी करें, आनंद करें और खूब जश्न करने वाले हो सके। हम सबको अपने खून में छिपा लीजिए, क्योंकि ये विनती मुबारक यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और सब मिलकर कहें आमीन।